नमस्कार दोस्तों, तो मैं हूँ आपका मेजबान मलूक किशन। फौरी तौर पर जैसा की आपको पता है की आज का जो मैच था, अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को बड़े ही अच्छे तरीके से हराया है और नजर ये आ रहा है कि आज की मैच के बाद जो है वो पाकिस्तानी टीम वर्ल्ड कप से बिल्कुल बाहर होने वाली है। मजीद जानते हैं अवाम इस बारे में क्या कहती है। इस टाइम मैं हार रोड पर मौजूद हूँ और लोगों से पूछता हूँ कि वो जो आज का मैच था पाकिस्तान के हारने पे उनका क्या रद्द-ए-अमल है और वो क्या कहते हैं, आइए फौरी तौर पर। ये तो उस बंदे का काम है जो वेला है, तो यहाँ पर जिसका कुछ युवा शुवा खेलना है। हाँ जी, हम क्यों देखे पाकिस्तान अफगानिस्तान का मैच, हम काम छोड़ दें। अब आप आपका क्या कहने का मतलब? मैं कह रहा हूँ ये आने वाले मैच भी हड़ेंगे। अच्छा, आने वाले भी हड़ेंगे, टेंशन नहीं लेनी। अब तो इन्होंने आना ही नहीं, अब कोई बाहर हो गया टीम के। ये वापस आ गए, ये शुक्र करें इनको इंडिया का वीजा मिल गया था। हाँ। फिर ये मुंह काला कराने गए थे माड़ा। अच्छा, फिर ठीक है। हाँ, ये मुंह काला कराने गए थे, वरना तो इनको वीजा भी नहीं मिलना था। आप यही से हिसाब लगा लेंगे हमारे पाकिस्तानी की क्या वैल्यू होगा। इंडिया वीजा नहीं दे रहा यार, जो कर लेता था हमारे के हमारे पास आओ। बिल्कुल, फिर इन्होंने जाके उधर वो मुंह काला कराया हमारा। आज इनसे थोड़ा बहुत खेला गया है, उस दिन इंडिया से नहीं खेला गया। और मैं ये सोच रहा हूँ हमारा मुखालिफ मुल्क है अफगानिस्तान, अफगानी हमें लाइक नहीं करते, मुझे मोबाइल बेचने आते हैं यहाँ पे अफगानी। और नहीं भाई, नहीं ये वो एटीट्यूड दिखाते हैं, हम भी नहीं लाइक करते उनको, हम तो लेते ही नहीं है ना अफगानियों से फोन। तो ये देखो अफगानियों से हार गया यार, मुझे लड़का फोन बेचने आया, उसने अपने वाल पेपर पे विराट कोहली की तस्वीर लगाई हुई, मुझे और गुस्सा चढ़ गया। मैं चल रहे तो मुनाफा के पहन जो इंडियन को लाइक करता, और इनके साथ बहुत अच्छा किया है वजीर आजम ने कि इनको निकाल दिया है। हाँ। और ये एक तरीके का और निकल जाएंगे, इंडियन यहाँ रह के वो हमारे साथ ही नहीं सिंसेयर है। बिल्कुल ऐसे है सर, हार गया। अब हम पाकिस्तान का मैच तब देखेंगे, बाबर को कप्तानी से हटाया जाए, ठीक है, रिजवान को कप्तान बनाया जाए, दूसरा इमाम को तो बिल्कुल भी टीम ने नहीं होना चाहिए, और इफ्तार को और क्या नाम है उसका, चलो जो भी है देखो, उन दोनों को ओपनिंग कराई जाए, फखर को और इफ्तार को। मैं कहता हूँ पाकिस्तान को मैच हार गया, फिर बताइएगा आप, ये कोई टीम है, उसमें कोई पैशन ही नहीं है, कोई जोश ही नहीं है, ऐवें चौके छड़ी जा रहे हैं पागला वांगूं। जो तो अफगानिया को सानू जो आ दिता फट के, पहले असं इंडिया को जलील होए हैं, हूं सानू अफगानिया को करवाता है, ये कोई टीम है? मियां साहब तुसी आए हो, एनु बाबर नु कप्तानी तो हटाओ, बाबर का की करियो, जिवें कप्तान एक नु जेल च तुनिया ना, एवें एनु ही फर्क कराओ। इन्हें साडे मुल्क दा बड़ा टीम दा बेड़ा गर्क कीता होया, सुन लो मियां साहब, बल दित्ता जे ना, एवें थोड़ा जा पाकिस्तानी टीम वल ध्यान दियो, ए तब्दीलियां करो, बहुत मायूस कीता होया इन्हां ने सानू, हुण असीं पठाना नु की मुंह हाईए। प्रोग्राम तो बढ़ गया, पाकिस्तान भी बढ़ गया भाई, अल्लाह करे वर्ल्ड कप से अगले मैच में दस्ती पा रहे, हम तो कहते बाहर आ जाइए। हमारी जो सिलेक्टर टीम है ना, सिलेक्टर इमामुल हक साहब, उसने अपने भांजों का खिलाना। अच्छा। ये सारे पर्ची वाले ये। हाँ हाँ। बाबर वगैरह बेचारा क्या करेगा, उस जो मेन प्लेयर उन्होंने आप में तो बाल बढ़ाएंगे, हम वहाँ पे क्या करेंगे अपने, इमाम साहब हाथ जुड़े हुए, आप भी बाहर हो जाए, अपने भांजों के बाल मेहरबानी, आप तो कहीं बाहर है उसको भी बाहर, नहीं सिलेक्टर से बाहर निकले ना। हाँ जी भाई, पाकिस्तान मैच आ गया आज का, अफगानिस्तान से क्या करेंगे, नहीं गए उसके, आप भी गए उसके, हाँ जी भाई, अगर आओ अगर भाई की कहना चाहोगे, पाकिस्तान मैच आ गया अफगानिस्तान को, आगे हार गया हारन दियो, फिर की करिए अगे, कुछ नहीं करना, माइक चल रहा ही नहीं है, चल रहा क्या, मैंने पाकिस्तान मैच आ गया, पाकिस्तान मैच हार गई है। हाँ जी, क्यों हार गई है तुसी दसो, क्यों आ गया, वो तो हमें तो पता ही नहीं है, उसको पता होना चाहिए ना जो मैच खेल रहे थे। हाँ जी, हाँ जी, तो आप किस लिए पूछ रहे हैं, हम तो आपकी राय ले रहे हैं, आपके जो है वो कमेंट्स ले रहे हैं हारने के बारे में, तो गलत हुआ है ना, पाकिस्तान हार गया, दो दफा हार गया, पाकिस्तान तो हमेशा गलत खुद अपने आप अपने साथ करता है, देखे ना, ये पहले भी परसों चौथ मैच हुआ तब भी हार गए, अब हुआ है तो अब भी हार गए, क्या इसका रीजन क्या है, बिक गए हुए, ये तो पूछे ना उनसे पूछे। अच्छा, पाकिस्तान की वापस आएगी वर्ल्ड कप से बाहर होके,
आप कैसे उसको वेलकम करेंगे? फिर भी हम तो पाकिस्तानी हैं तो हम तो उनका वेलकम अच्छा अच्छे तरीके से करेंगे। मतलब तुम जियो हार गई जीतो में तुमसे प्यार है वो वाला सीन होएगा? सारी बात जो नहीं उनसे तो प्यार होगा। तो एक बार हार गए दो दफा हार गए तो बाद में क्या वो हारती रहेंगे? नहीं कभी ना कभी जीतेंगे। जीतेंगे क्यों नहीं जीतेंगे? ठीक हो गए कभी कुछ हो जाता है कभी कुछ हो जाता है। पाकिस्तान आज मैच हार गए क्या कहना चाहेंगे? आपने तो कहा है कुछ दसो पाकिस्तान तो बढ़ गया। मसला पता क्यों आया? पाकिस्तान क्यों हार जाते क्यों हार जाते मसला पता क्यों आ रहा है? पाकिस्तान आ रहा है ये मसला कश्मीर आ रहा है मसला कश्मीर इन्होंने करनी बिलकुल नीयत ही नहीं है। बॉडी लैंग्वेज आप इंडिया को अफगानिस्तान सिर्फ नाम तो छोटी टीम है खेलन चेक करो किस तरह खेल रही है एफर्ट कर रही के नहीं कर रही बस पाकिस्तान बढ़ गया वग गया बाकी खैर पाकिस्तान सा दुआव ही नहीं शायद कम बैक दी दुआओं की जरूरत है। हमेशा ही नवाज शरीफ साहब आ गए हैं अब मामला जो है अपनी जगह पे आने शुरू हो जाएंगे अब नवाज शरीफ साहब आ गए हैं अब मामला दुरुस्त होएंगे। ठीक है जो करप्शन थी वो खत्म हो गई है अब इंशाल्लाह बड़ी पूरी तरह हारे ने। अच्छा बुरी तरह हारे ने अगे की कहोगे? अगे आई कहना उन्होंने टीम चेंज करनी चाहिए है। हां ते ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਚਾਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਆ ਜਾਣਗੇ ਨਹੀਂ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰੋਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਕਹਾਂਗੇ ਬਕਾਇਆ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਅੱਗੋਂ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਕਪਤਾਨੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅੱਗੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਜਾਣ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਹਾਰ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਣ ਐਸਾ ਕਹੋਗੇ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਗਾਇਕ ਕਿਉਂ ਆਉਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰ ਕੇ ਗਏ ਮੈਂ ਤੇ ਪਾਸਾਂ ਦੇ ਹਟ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਉਹ ਕਿ ਸ਼ਰਮਾ ਆ ਗਿਆ ਨਾ दुआ कर लिए दुआ करो तुम दुआ करो कप्तानी बुला देना चाहिए।